ये एक ऐसा टॉपिक है जिससे आपके क्वेश्चंस हमें हमेशा देखने को मिलते आ रहे हैं और मिलते रहते हैं, फिर चाहे आपका स्टेट पीसीएस हो या फिर सिविल सर्विस हो। क्योंकि आपने देखा है कि जिस तरह से राजनीति का अपराधीकरण हो रहा है, तो स्वाभाविक सा है कि क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, और आपने देखा है इंटरव्यू में भी कई बार क्वेश्चंस इससे बन जाते हैं। तो आप जानेंगे कि किस संदर्भ में अभी बात हाल में की जा रही है, और राजनीति का अपराधीकरण और भारत की स्थिति क्या है इसमें, उस पर भी बात करेंगे। और सर्वोच्च न्यायालय द्वारा दिए गए आदेश के प्रमुख बिंदु क्या क्या हैं, उन पर भी बात करेंगे। राजनीति के अपराधीकरण के कारण क्या है, आखिर राजनीति के अपराधीकरण का प्रभाव क्या देखने को मिलता है, भारतीय चुनावी तंत्र में सुधार के पूर्व प्रयास क्या रहे हैं, और चुनाव सुधार पर सर्वोच्च न्यायालय की भूमिका क्या है, और क्या कहता है एक आपने सुना होगा जनप्रतिनिधि अधिनियम, ये क्या कहता है, इस पर भी बात करेंगे। एक सीधा सा मतलब है कि आपसे कहिए कि आपको ही कह दिया जाए आपने कोई अपराध किया है, और आपसे ही कह दिया जाए कि ऐसा कोई कानून बनाइए जिसमें आप खुद के लिए सजा का प्रावधान कर सकें, तो आप क्या चाहेंगे? आप यही चाहेंगे कि आप फ्री हो जाएं, यानी कि छूट जाएं, मुक्त हो जाएं, जो दोस्त मुक्त हो जाएं। तो यही हाल है कि कानून कौन बनाता है, आपकी संसद, संसद में कौन बैठे हुए हैं, अपराधी, तो वो किसके लिए कानून बनाएंगे और किस लिए एक अपना बुरा चाहेंगे, तो उसी की बात की जा रही है। राजनीति में बढ़ते अपराधीकरण के संदर्भ में दायर एक याचिका पर सुनवाई करते हुए सर्वोच्च न्यायालय ने फरवरी 2020 में एक महत्वपूर्ण निर्णय दिया था। सर्वोच्च न्यायालय ने निर्णय देते हुए कहा था कि उम्मीदवारों के संपूर्ण आपराधिक इतिहास की जानकारी स्थानीय और राष्ट्रीय समाचार पत्र के साथ साथ पार्टियों के सोशल मीडिया हैंडल को प्रकाशित होनी चाहिए। यदि कोई राजनीतिक दल इन दिशा निर्देशों का अनुपालन करने में विफल रहता है, तो इस कृत्य को न्यायालय के आदेशों निर्देशों का अवमानना माना जाएगा। कहने का मतलब यह है कि आप जिसे वोट दे रहे हैं उसके बारे में आपको पता तो होना चाहिए कि इसका नेचर क्या है, इसकी हालत क्या है, समझ रहे हैं? यही बात की जा रही है। जो सर्वोच्च न्यायालय ने निर्णय दिया था उसमें यही कहा गया है कि समाचार पत्रों में, उसके बाद जो पार्टियों की सोशल हैंडल मीडिया यानी कि जो भी उसकी साइट है उस पर भी उसके जो भी चुनाव लड़ रहा है उसके बारे में पूरी जानकारी डाल देनी चाहिए कि उसने अभी तक कितने अपराध किए हुए हैं, क्या क्या किया है, और किस लिए उसे वो मतलब टिकट दिया जा रहा है, सभी ये कारण बताने होंगे। सर्वोच्च न्यायालय द्वारा दिए गए निर्णय के दूरगामी परिणाम हो सकते हैं। अक्टूबर 2020 में बिहार विधानसभा चुनाव में सर्वोच्च न्यायालय द्वारा किए गए निर्णय का व्यवहारिक क्रियान्वयन देखा जा सकता है। सर्वोच्च न्यायालय ने यह कदम राजनीति में आपराधिक पृष्ठभूमि के लोगों की बढ़ती संख्या पर नियंत्रण, चुनावी पारदर्शिता और जनता के प्रति राजनीतिक दलों के उत्तरदायित्वों को सुनिश्चित करने के लिए कदम उठाया है। मैंने ऐसा कई जगह देखा है मैंने खुद कि उस व्यक्ति, मतलब आप सोचिए कि अगर दो चार मर्डर ना करे तो मुझे नहीं लगता है कि वो संसद बन सकता है या फिर विधायक बन सकता है। आजकल ईमानदार इंसान मुझे नहीं लगता है कि जीत सकता है। तो यही बात की जा रही है कि जो जितने ज्यादा मर्डर करेगा और जो जितने अपराध करेगा वही उसी के जीतने की संभावना उतनी ही बढ़ जाती है। अगर राजनीति के अपराधीकरण और भारत की स्थिति की अगर हम बात करें, तो राजनीति के अपराधीकरण का अर्थ है कि राजनीति में आपराधिक आरोपों का सामना कर रहे लोगों और अपराधियों की बढ़ती भागीदारी से। सामान्य अर्थों में यह शब्द आपराधिक पृष्ठभूमि वाले लोगों का राजनेता और प्रतिनिधि के रूप में चुने जाने का घोतक है। आज से कुछ समय पहले क्या हुआ करता था कि जो राजनेता हुआ करते थे उसे पीछे से जो अपराधी हुआ करते थे मदद किया करते थे, तो उसके बाद अपराधियों ने सोचना शुरू किया कि हम अगर किसी नेता बना सकते हैं, किसी को जिता सकते हैं, किसी को विधायक बना सकते हैं, किसी को संसद बना सकते हैं, सांसद, तो क्यों ना खुद ही चुनाव लड़ा जाए और खुद ही नेता बन जाया जाए। तो अब आपने देखा है कि ये प्रवृत्ति बदल चुकी है, अब खुद अपराधी नेता बन जाता है। वर्ष 1993 में बोहरा समिति आई, इसकी रिपोर्ट, और वर्ष 2002 में संविधान के कामकाज की समीक्षा करने के लिए राष्ट्रीय आयोग की रिपोर्ट ने पुष्टि की कि भारतीय राजनीति में गंभीर आपराधिक पृष्ठभूमि वाले व्यक्तियों की संख्या बढ़ रही है। वर्तमान में ऐसी स्थिति बन गई है कि राजनीतिक दलों के मध्य इस बात की प्रतिस्पर्धा है कि किस दल में कितने उम्मीदवार आपराधिक पृष्ठभूमि के, क्योंकि इससे उनके चुनाव में जीतने की संभावना बढ़ जाती है।
आप समझ रहे हैं कि जो जितने मतलब मर्डर किए हुए, मतलब जिस पार्टी में जितने उम्मीदवार अपराधी प्रवृत्ति के होंगे, उस पार्टी के आने के चांस उतने, मतलब सत्ता में आने के चांस उतने ही बढ़ जाते हैं। पिछले लोकसभा चुनाव के आंकड़ों पर गौर किया जाए, अगर हम लोग स्थिति देखें तो आपराधिक प्रवृत्ति वाले संसद संसद सदस्यों की संख्या में वृद्धि हुई है। वर्ष 2004 में संसद के जो 24% मेंबर थे, यानी सदस्य जो सदस्य थे, इनके खिलाफ आपराधिक मामले लंबित थे। वर्ष 2009 में बढ़कर 30% हो गए। उसके बाद 2014 में 34% हो गए। उसके बाद 2019 में 43% हो गए। कितने? 100 में से 43, यानी कि 43% हो गए। नेशनल इलेक्शन बोर्ड और एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म द्वारा ADR द्वारा जारी रिपोर्ट के अनुसार, जहां एक ओर वर्ष 2009 में गंभीर आपराधिक मामलों वाले संसद सदस्यों की संख्या 76 थी, वहीं 2019 में ये बढ़कर 159 हो गई। इस प्रकार वर्ष 2009 से 2019 के बीच गंभीर आपराधिक पृष्ठभूमि वाले संसद सदस्यों की संख्या में कुल आपकी 109% की वृद्धि बढ़ोतरी देखने को हमें मिली है। गंभीर आपराधिक मामलों में बलात्कार, हत्या, हत्या का प्रयास, अपहरण, महिलाओं के विरुद्ध अपराध आदि को शामिल किया जाता है। आप समझ रहे हैं कि मतलब जिन्हें सुरक्षा करना चाहिए उन्हीं, वही मतलब भक्षक, जिन्हें हम रक्षक समझते हैं वही भक्षक बन बैठे हैं। बलात्कार, हत्या, हत्या का प्रयास, अपहरण, महिलाओं के विरुद्ध अपराध, इस तरह के कई अपराधी आपके जाकर संसद में बैठे हुए हैं। अब सोचिए वो मतलब इनके विरुद्ध कानून कैसे बनाएंगे, मतलब खुद को जेल में डालने लायक मतलब ऐसा कानून नहीं बनाएंगे जिससे वो खुद मुसीबत में फंस जाएं। अगर हम लोग सर्वोच्च न्यायालय द्वारा दिए गए आदेश के प्रमुख बिंदुओं की बात करें तो सर्वोच्च न्यायालय के अनुसार के आदेश अनुसार राजनीतिक दलों केंद्र व राज्य स्तर पर को अपने चयनित उम्मीदवारों पर चल रहे आपराधिक मामलों की विस्तृत जानकारी अपनी वेबसाइट पर साझा करनी होगी। इसमें अपराध की प्रवृत्ति, चार्जशीट और संबंधित न्यायालय का नाम और केस नंबर आदि जानकारी शामिल है। आदेश के अनुसार प्रत्याशी पर दर्ज मामलों की विस्तृत जानकारी को एक राष्ट्रीय और एक स्थानीय भाषा के अखबार में प्रकाशित करने के साथ दल के आधिकारिक सोशल मीडिया खातों जैसे फेसबुक हो गया, ट्विटर आदि पर भी साझा करना होगा। मुझे नहीं लगता है कि आप देखिए, अब बिहार चुनाव आ रहा है, उसमें पता चलेगा कि किस तरह से कौन पार्टी इस तरह की काम करती है, क्योंकि मुझे नहीं लगता है कि होगा, क्योंकि आप समझिए कि आपको पता चल जाए कि इसने इतने केस हैं, इस पर इसने इतना बलात्कार किए हैं, इतने मर्डर किए हैं, तो जनता को असलियत मालूम चल जाएगी, पर वोट शायद आप सोच समझ कर दें, तो ऐसा ना चाहेंगे आपके जो राजनेता हैं, ऐसी कोई भी पार्टी नहीं चाहेगी। अब देखिए क्या होता है बिहार में, कि चुनाव में पता चलेगा। यह अनिवार्य रूप से उम्मीदवार के चयन के 24 घंटे के भीतर या नामांकन दाखिल करने की पहली तारीख के 2 सप्ताह से कम समय में जो भी पहले हो प्रकाशित किया जाना चाहिए। सर्वोच्च न्यायालय ने राजनीतिक दलों को आदेश दिया कि भारत निर्वाचन आयोग यानी कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के सामने 72 घंटे के भीतर अदालती कार्रवाई की अनुपालन रिपोर्ट प्रस्तुत करें, अन्यथा उन दलों पर न्यायालय की अवमानना से संबंधित कार्रवाई की जाएगी। इसके साथ ही राजनीतिक दलों को संबंधित प्रत्याशी के चयन के कारण बताना होगा। यह भी बताना होगा कि संबंधित प्रत्याशी का के स्थान पर बिना आपराधिक पृष्ठभूमि वाले किसी अन्य व्यक्ति का चयन क्यों नहीं किया जा सका। आप समझिए कि कहने का मतलब सीधा सा इतना है कि अगर किसी किसी ने मर्डर किया है, उस पर केस चल रहा है, तो उसे अगर आपने किसी पार्टी ने टिकट दिया है तो उसे बताना होगा उस पार्टी को कि आखिर क्या समस्या थी, क्या कारण था कि इसे टिकट देने की समय आ गया, मतलब इसे टिकट देने की जरूरत पड़ी, इसके बारे में बताना होगा। और सबसे बड़ी बात ये रहेगी कि आपको पता होगा कि आप जिसे चुन रहे हैं अपना प्रतिनिधि, मतलब आपके अपना आपका प्रतिनिधित्व रहेगा, वो आपकी समस्याओं को संसद या फिर विधानसभा में उठाएगा, वो आखिर है क्या, इसके बारे में आपको साफ जानकारी मिली रहेगी। न्यायालय ने अपने आदेश पर यह भी स्पष्ट किया है कि प्रत्याशी के रूप में चयन का कारण व्यक्ति की योग्यता, उपलब्धियों आदि के संदर्भ में होना चाहिए, ना कि उसके चुनाव जीतने की क्षमता के संदर्भ में। फिर बात करते हैं राजनीति के अपराधीकरण के कारणों की। अगर बात करें हम लोग तो अपराधियों का पैसा और बाहुबल राजनीतिक दलों को वोट हासिल करने में मदद करता है। चूंकि भारत की चुनावी राजनीति अधिकांशतः जाति और धर्म जैसे कारकों पर निर्भर करती है, इसलिए उम्मीदवार आपराधिक आरोपों की स्थिति में भी चुनाव जीत जाते हैं।
कई अपराधी तो मैंने ऐसे भी देखे हैं कि जो जेल में बंद है उसके बाद भी वो चुनाव लड़े और जीत चुके हैं। चुनावी राजनीति कमोबेश राजनीतिक दलों को प्राप्त होने वाली फंडिंग पर निर्भर करती है। चूंकि आपराधिक पृष्ठभूमि वाले उम्मीदवार के पास अक्सर धन और संपदा काफी अधिक मात्रा में होता है, इसलिए वे दल के चुनावी अभियान में अधिक से अधिक पैसा खर्च करते हैं और उनके राजनीति में प्रवेश करने तथा जीतने की संभावना भी बढ़ जाती है। मुझे तो आज तक यही समझ में नहीं आया कि अगर कोई जेल में है तो उसे वोट डालने का अधिकार नहीं दिया जाता है, और जो जेल में बंद है उसे चुनाव लड़ने का अधिकार कैसे दे दिया जाता है। सोचने वाली आप यही सोचिए। भारत के राजनीतिक दलों में काफी हद तक अंतरदलीय लोकतंत्र का अभाव देखा जाता है और उम्मीदवार ही पर निर्णय मुख्यतः दलों के शीर्ष नेतृत्व द्वारा ही लिया जाता है, जिसके कारण आपराधिक पृष्ठभूमि वाले राजनीति अक्सर दल के स्थानीय कार्यकर्ताओं और संगठन द्वारा जांच से बच जाते हैं। भारतीय आपराधिक न्याय प्रणाली में अंतर्निहित देरी से राजनीति के अपराधीकरण को प्रोत्साहन किया जाता है। अदालत द्वारा आपराधिक मामले को निपटाने में औसतन 15 वर्ष लगते हैं। फर्स्ट पास्ट द पोस्ट। निर्वाचन प्रणाली में सभी उम्मीदवारों में से सबसे अधिक मत प्राप्त करने वाला उम्मीदवार विजयी होता है, यानी कि 100 वोट हैं जिनमें से आपसे अगर 4 खड़े हुए हैं आप लोग, तो जिनमें से सबसे ज्यादा जिसे वोट मिलेंगे वही विजय बनेगा, यानी कि वही जीत जाएगा, चाहे विजयी उम्मीदवार को कितना भी कम या फिर कम मतों क्यों ना प्राप्त हुआ। इस प्रकार की प्रणाली में अपराधियों के लिए अपने धन और बाहुबल का प्रयोग कर अधिक से अधिक मत हासिल करना काफी आसान होता है। निर्वाचन आयोग की कार्यप्रणाली में मौजूद खामियां भी राजनीति के अपराधीकरण का प्रमुख कारण है। चुनाव आयोग ने नामांकन पत्र दाखिल करते समय उम्मीदवारों की संपत्ति का विवरण, अदालतों में लंबित मामले, सजा आदि का खुलासा करने का प्रावधान किया है, किंतु ये कदम अपराध और राजनीति के मध्य सांठगांठ को तोड़ने की दिशा में अब तक का सफल नहीं हो पाए हैं। अभी तक सफल नहीं हो पाए, अब आगे देखते हैं क्या होता है। भारत की राजनीति में अपराधीकरण को बढ़ावा देने में नागरिक समाज का भी बराबर का योगदान रहा है, यानी कि जितना उनका योगदान है उतना ही वोटर का योगदान है। अक्सर आम आदमी अपराधियों के धन और बाहुबल से प्रभावित होकर बिना जांच किए ही उन्हें वोट दे देता है। कई तो मैंने ऐसे भी देखे हैं जिन्हें सखल याद नहीं है, बस नाम सुनते हैं कि ये संसद जी मतलब ये चुनाव लड़ रहे हैं, उन्हीं के नाम पर वोट दे दिया जाता है। इसके अलावा भारतीय राजनीति में नैतिकता और मूल्यों के अभाव ने अपराधीकरण की समस्या को और गंभीर बना दिया है। अक्सर राजनीतिक दल अपने निहित स्वार्थों के लिए अपराधीकरण की जांच करने से कतराती है। तो राजनीति के अपराधीकरण का प्रभाव की अगर हम बात करें तो देश की राजनीति और कानून निर्माण प्रक्रिया में अपराधी पृष्ठभूमि वाले लोगों की उपस्थिति का लोकतंत्र की गुणवत्ता पर नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। राजनीति के अपराधीकरण के कारण चुनावी प्रक्रिया में काले धन का प्रयोग काफी अधिक बढ़ जाता है। राजनीति के अपराधीकरण का देश की न्यायिक प्रक्रिया पर भी प्रभाव देखने को मिलता है और अपराधियों के विरुद्ध जांच प्रक्रिया धीमी हो जाती है। राजनीति में प्रवेश करने वाले अपराधी सार्वजनिक जीवन में भ्रष्टाचार को बढ़ावा देते हैं और नौकरशाही कार्यपालिका विधायिका तथा न्यायपालिका सहित अन्य स्थानों पर प्रतिकूल प्रभाव भी डालते हैं। राजनीति का अपराधीकरण समाज में हिंसा की संस्कृति को प्रोत्साहित करता है और भावी जनप्रतिनिधियों के लिए एक गलत उदाहरण प्रस्तुत करता है। अगर हम भारतीय चुनाव तंत्र में सुधार के पूर्व जो प्रयास रहे हैं उनके बारे में बात करें तो आपने सुना होगा कि दिनेश गोस्वामी समिति, ये आपकी 1990 में बनी, और याद रखिए जितनी भी ये समितियां हैं आए हुए हैं इन्हें आप लोग डेट को भी याद रख लीजिए, क्योंकि अगर आप आंसर राइटिंग में इन्हें डालते हैं तो आपका आंसर प्रभावी रहेगा और आपको जो भी नंबर दिए जाएंगे अच्छी तरीके से दिए जाएंगे। समिति ने अपनी रिपोर्ट में चुनावी खर्च पर नियंत्रण और कंपनी द्वारा दिए गए चंदे पर रोक, चुनाव में राज्य की भूमिका और इसके साथ ही चुनाव के अन्य पहलुओं जैसे प्रचार का समय, आयु सीमा, चुनाव आयोग के अधिकार आदि के समय में निगरानी और प्रावधान की सिफारिश की थी दिनेश गोस्वामी समिति ने। फराई बोहरा समिति, ये आपकी 1993 में आती है। बोहरा समिति ने राजनीति के बढ़ते अपराधीकरण उनके राजनीतिक संरक्षण पर चिंता व्यक्त करते हुए इस समस्या के समाधान के लिए विभिन्न अपराध नियंत्रण संस्थाओं जैसे CBI, इनकम टैक्स, नार्कोटिक्स आदि की सहायता लेने की बात सलाह दी थी।
फिर आती है आपकी इंद्रजीत गुप्ता समिति, ये आपकी 1998 में आती है। गुप्ता समिति ने अपनी रिपोर्ट में राजनीति में भ्रष्टाचार और अपराध को कम करने के लिए राज्य द्वारा चुनावी खर्च वहन किए जाने की सिफारिश की। फिर आपकी विधि आयोग रिपोर्ट 1999 में आती है। वर्ष 1999 में विधि आयोग ने अपनी 170वीं रिपोर्ट में लोकसभा और विधानसभाओं के चुनाव को एक साथ कराने का समर्थन भी किया। फिर आती है एम एन वेंकट शलैया समिति, या आपकी 2002 के बीच आती है। विधि आयोग, चुनाव आयोग और संविधान की समीक्षा के लिए राष्ट्रीय आयोग की रिपोर्ट आई थी। एक आपती आती है वांचू समिति, प्रत्यक्ष कर जांच समिति। वांचू समिति ने राजनीति चंदे के विनियमन के साथ राजनीतिक दलों की आर्थिक गतिविधियों पर अपनी रिपोर्ट जारी की थी। तो इन समितियों को अच्छे से याद रख लीजिए और किन से संबंधित हैं, किससे, इनमें क्या मुख्य प्रावधान रखा गया है उन्हें भी याद रखिए, क्योंकि आपका प्रीलिम्स में भी क्वेश्चंस बन सकते हैं और मेंस में भी आपको डाल देंगी तो अच्छा रहेगा। चुनाव सुधार पर सर्वोच्च न्यायालय की अगर भूमिका की बात करें तो अक्टूबर 1974 में सर्वोच्च न्यायालय ने कंवर लाल गुप्ता बनाम अमरनाथ चावला व अन्य मामलों में प्रत्याशी के प्रचार होने वाले किसी भी प्रकार के खर्च पार्टी प्रायोजक या फिर किसी समर्थक द्वारा को प्रत्याशी के लिए निर्धारित सीमा में जोड़ने का निर्देश दिया गया। यानी कि कहने का मतलब, अगर कोई, जैसे आप चुनाव लड़ रहे हैं और आपका कोई समर्थक है, अगर वो खर्च करता है तो उसे भी आपके खर्चे में जोड़ दिया जाएगा, समझ रहे हैं। वर्ष 2002 में सर्वोच्च न्यायालय ने भारत सरकार बनाम एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म वाद में ऐतिहासिक फैसला सुनाते हुए कहा कि संसद और राज्य विधानसभाओं या फिर नगर निगम के लिए चुनाव लड़ने वाले प्रत्येक उम्मीदवार को अपनी आपराधिक, वित्तीय और शैक्षणिक भूमि पृष्ठभूमि की घोषणा करनी होगी। ये कब की बात है, 2002 की, लेकिन अभी तक आपका इस तरह का कोई भी नहीं हुआ है। बस 2005 में रवीश दलाल बनाम भारत सरकार वाद में सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि एक संसद सदस्य, सांसद या फिर राज्य विधानमंडल के सदस्य जैसे विधायक को दोषी ठहराए जाने पर चुनाव लड़ने से अयोग्य ठहराया जाएगा, उसे अदालत द्वारा 2 वर्ष से कम कारावास की सजा नहीं दी जाएगी। बस 2017 में एक महत्वपूर्ण फैसले में सर्वोच्च न्यायालय ने प्रत्याशियों के लिए अपनी आपराधिक पृष्ठभूमि से संबंधित जानकारी सार्वजनिक की अनिवार्यता को दोहराते हुए राजनीतिकों पर चल रहे आपराधिक मामलों की सुनवाई के लिए फास्ट ट्रैक कोर्ट की स्थापना करने का आदेश दिया, लेकिन अभी तक इस तरह का देखा नहीं गया। फिर आपने सुना होगा जनप्रतिनिधि अधिनियम, आखिर ये क्या कहता है। जनप्रतिनिधि अधिनियम 1951 की धारा 8 दोषी राजनेताओं को चुनाव लड़ने से रोकती है, लेकिन ऐसे नेता जिन पर केवल मुकदमा चल रहा है वे चुनाव लड़ने के लिए स्वतंत्र हैं। इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता है कि उन पर लगा आरोप कितना गंभीर है। इस अधिनियम की धारा 8(1) और 8(2) के अंतर्गत प्रावधान है कि यदि कोई विधायक का सदस्य यानी कि सांसद या फिर विधायक हत्या, बलात्कार, अस्पृश्यता, विदेशी मुद्रा विनिमय अधिनियम के तहत उल्लंघन, धर्म, भाषा या चित्त के आधार पर शत्रुता पैदा करना, भारतीय संविधान का अपमान करना, प्रतिबंधित वस्तुओं का आयात या निर्यात करना, आतंकवादी गतिविधियों में शामिल होना जैसे अपराधों की लिप्त होता है तो उसे इस धारा के अंतर्गत अयोग्य माना जाएगा और 6 वर्ष की अवधि के लिए आरोप घोषित कर दिया जाएगा। इससे पढ़िए इस पॉइंट को अच्छे से। वही सब अधिनियम की धारा 8(3) में प्रावधान है कि उपयुक्त अपराधों के अलावा किसी भी अपराध के लिए दोषी ठहराए जाने पर वाली किसी भी विधायक का सदस्य को यदि 2 वर्ष से अधिक के कारावास की सजा सुनाई जाती है तो उसे दोषी ठहराने जाने की तिथि से आरोग्य माना जाएगा। ऐसे व्यक्ति को सजा पूरी होने किए जाने की तिथि से 6 वर्ष तक चुनाव लड़ने के लिए आयोग माना जाएगा। यानी कि कोई अपराधी है तो उसकी सजा अगर कल खत्म होती है तो कल से 6 साल तक उसे चुनाव नहीं लड़ने दिया जाएगा। ठीक है, अब बात करते हैं चुनौतियां आखिर क्या क्या हैं, यानी कि समस्याएं क्या क्या हैं इसके सामने। सर्वोच्च न्यायालय ने अपने आदेश में राजनीति में शामिल आपराधिक पृष्ठभूमि के लोगों पर प्रत्यक्ष कार्यवाही के बजाय या निर्णय राजनीतिक दलों और जनता के विवेक पर छोड़ दिया। ऐसे में न्यायालय के आदेश से राजनीति में जल्दी बड़े बदलाव की उम्मीद नहीं की जा सकती है। सर्वोच्च न्यायालय के आदेश में चुनाव आयोग की आपराधिक पृष्ठभूमि वाले व्यक्तियों पर कार्यवाही के स्थान पर उनकी निगरानी करने और इस संबंध में नियमानुसार न्यायालय को सूचित करने
के निर्देश दिए गए। यह व्यवस्था राजनीतिक और अपराधियों को लेकर पहले से ही लंबी न्यायिक प्रक्रिया पर समाधान प्रदान करने की बजाय उसे अधिक जटिल बनाती है। राजनीतिक पारदर्शिता के संदर्भ में न्यायालय का यह आदेश तभी प्रभावी हो सकता है जब राजनीतिक दल इस संदर्भ में नियमों का सही पालन करें और जनहित का ध्यान में रखते हुए सही जानकारी दें, परंतु गलत झूठे समाचारों इस दौर में जनता तक सही जानकारी को पहुंचाना बहुत ही कठिन है। अतः न्यायालय के आदेश से राजनीति में बड़े सुधार की उम्मीद नहीं की जा सकती है। और इसमें आपको समझिए कि जनता को भी जागरूक होना पड़ेगा, वोटर को भी उतना ही प्रभाव, मतलब देखिए दोनों जिम्मेदार उतना ही है, जितना नेता है तो उतना ही वोटर भी है। निष्कर्ष तक क्या कह सकते हैं आप लोग, देश की राजनीति में अपराधियों की बढ़ती संख्या को देखते हुए यह आवश्यक हो गया है कि संसद ऐसा कानून लाए ताकि अपराधी राजनीति से दूर रहें। जनप्रतिनिधियों के रूप में चुने जाने वाले लोग अपराध की राजनीति से ऊपर हों। राष्ट्र को संसद द्वारा कानून बनाए जाने का इंतजार है। भारत की दूषित हो चुकी राजनीति को साफ करने के लिए बड़ा प्रयास किए जाने की आवश्यकता है। लेकिन देखते हैं आगे क्या चलता है। लेकिन अभी आपको दूर दूर तक ये नजर नहीं आ रहा होगा कि इस तरह के कोई कानून बनाया जाए, ठीक है। आगे देखते हैं, आप उसी को वोट दिया करिएगा जो आपके क्षेत्र में देखभाल करता हो, फिर वो किसी भी पार्टी का क्यों ना हो। क्योंकि आपके लिए आप सोचें कि अगर किसी पार्टी को आप जिता देते हैं तो वो डायरेक्ट प्रधानमंत्री आपके यहाँ आएगा काम करवाने के लिए, कोई नहीं आएगा। आप अपने जो स्थानीय नेता हो अच्छा उसी को देखकर वोट दिया करिएगा, उसी का चेहरा, ठीक है, वो फिर चाहे किसी भी पार्टी से क्यों ना हो, ठीक है।